सो एक फिल्म जहां है राम, एक फिल्म जहां है देव, और ये दोनों मिलकर पटाना चाहते हैं अंजलि को। सो रामदेव पटाना चाहते हैं अंजलि। एक फिल्म जहां ये गर्लफ्रेंड के आने की खुशी से इतना खुश हो जाता है। बहुत खुश होना देव। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, अश्लील है ये लोंडा। एंड गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है कि हर कोई उसके पास बैठना चाहता है। इतनी दूर क्यों हो, करीब आओ। एंड बॉयफ्रेंड की माँ तो छोड़ो, बट इसके डैड भी कभी कभी भूल जाते हैं कि वो इनकी ही बेटी है। हमारी बेटी को हम पर कितना भरोसा है। मीट अंजलि, जिसको गलत सहमी है कि मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। A very confused girl, जो कब मजाक करती है समझ नहीं आता। मैं मजाक कर रही थी और तुम seriously ले रहे हो। I was just joking. और कब actually सच बोल रही है। क्या पागलों की तरह हंस रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया है। एक लड़की जिसके कोई भी मजे लेकर चला जाता है। नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे बीच बहुत कुछ हो सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसकी सुबह सुना रही है इसकी रात का फसाना। एक ऐसी लड़की जो अपनी बात पर कभी नहीं टिकी रहती। जाओ, माँ को जेवर दे आ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। A few moments later. मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। A few moments ago. मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे, वही शादी करूंगी जहाँ आप चाहेंगे। मैं आज के जमाने की लड़की हूँ। She's a bitch. And अब मिलते हैं इसके टॉक्सिक बॉयफ्रेंड से। हस्ती मिटा दूंगा तो अपना गला घोट कर मरती तुम। जो हमेशा चौड़ में रहता है। आपके पास धन है, आपके पास रईसी है, औकात मोहब्बत के दौलत से बनती है जो मेरे पास है। जो पता नहीं अपने हाथ का ऐसा क्या यूज करता है कि इसको कोई हाथ लगाना नहीं चाहता। So, आज की फिल्म की कहानी है कि एक बहुत अमीर लड़की, महलों की शहजादी, जो एक बहुत ही गरीब लड़के से प्यार करती है। तेरा अपना घर आपकी गाड़ी से भी छोटा है। नो स्कूल, नो कॉलेज, लिटरली झाड़ियों से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट होती है। मत करो मुझसे इतनी मोहब्बत देव। Stop it. Get some help. Now, अब अंजलि के बुलाने पर देव जब रिश्ते के लिए उसके घर जाता है एंड जैसे ही उसकी क्वालिफिकेशन पूछी जाती है, he is like, आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं। इसमें एक छेद भी है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। एक मामूली आदमी हूँ जो आपकी बेटी को दीवानों की तरह मोहब्बत करता है, लेकिन आपकी बेटी भी जिससे मोहब्बत करे वो इतना मामूली इंसान तो नहीं रहता। कुछ नहीं अपने पास, न धन दौलत न खानदान, बस एक चीज है जो इस वक्त आपके पास है। और अगर मैं ना दूं तो छीन के ले जाऊंगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। अब इस सियापे के बाद अंजलि भी उन लड़कियों में आ जाती है जिनको प्यार तो गुंडे से होता है पर उनकी शादी एकदम सीधे साधे लड़के से होती है। जो इतना प्यार देना चाहता हूँ सबको, सब लोग मजबूर हो जाए मुझे प्यार करने पर। एंड अब कहानी में एंट्री होती है राम की, जो है एकदम संत आदमी। माँ का हुकुम भगवान के हुकुम के बराबर है। इतना आज्ञाकारी है मेरा बेटा। पर ये भी चुपचाप से हाथ साफ करना जानता है। हाथ हटाइए। इसके साथ शुरू शुरू में अंजलि को जोर जबरदस्ती थोड़ी अच्छी नहीं लगती है। How dare you? खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की। किस हक से तुमने मुझे छुआ? तुम्हारा कोई हक नहीं है मुझ पे। बट फिर दो मिनट के ऐसे सियापे में उसको फिर प्यार हो जाता है एंड फाइनली अंजलि अपने हस्बैंड पे वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बस अब क्या, ये लोग खुल्लम खुल्ला बैंड स्टैंड की तरह कहीं भी शुरू हो जाते हैं। एंड ऐसे ही देखते देखते आज राम और अंजलि की शादी की तीसरी सालगिरह है। अबे वेडिंग एनिवर्सरी की अनाउंसमेंट चल रही है या नीलामी की अनाउंसमेंट चल रही है? तीसरी सालगिरह पे गले मिलाओ। एंड अब कहानी में एंट्री होगी एक मल्टी मिलियनेयर की। अंजलि की फटके चार हो जाती है जब वो देखती है कि देव अब करोड़पति होने के बावजूद भी पहले जैसे ही ओल्ड फैशन ब्लैक कपड़े पहनता है। एंड देव अब अमीर होने के बाद अंजलि को अपनी दौलत दिखाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी देता है।
ये पार्टी इस शहर की सबसे बेहतरीन पार्टियों में से होगी। एंड अब इस पार्टी में होता है इस एक्स कपल का एनकाउंटर। वेट, बैक करो, ये अंकल इस लड़की के साथ पार्टी में क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाय द वे, इस मूवी में हर कैरेक्टर को या तो ठरक है या कोई साइकोलॉजिकल इश्यू। बाय द वे, मैं भी बचपन में ऐसे ही टीवी पर कान लगाकर सुनता था। नॉट ओनली दैट, लोग इसमें इतने बेवकूफ हैं कि माँ के मरने पर बस खड़े खड़े देखते रहते हैं। ये नहीं कि हॉस्पिटल ले जाओ। नाउ कमिंग बैक टू फिल्म, अब देव चुपचाप इस पार्टी में अंजलि को होटल के कमरे में बुलाता है। आओ, आओ ना। अब देव अंजलि को अपनी सीक्रेट सक्सेस स्टोरी खास हमारे चैनल पे बताएगा, इसीलिए अभी सब्सक्राइब करें। जानती हो अंजलि, जब तो मुझे छोड़कर चली गई थी, मेरी जेब में 50 पैसे नहीं थे, लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा, तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म भरते थे, फिर कदम से कदम मिलाकर मैंने 50 से 500 करोड़ का सफर तय किया। अबे हलवे, क्या चल चल के क्या ओलंपिक का उसेन बोल्ट बन गया था क्या? मैंने भी सुनील शेट्टी को देख देख के ही 50 पैसे से 500 करोड़ का सफर तय किया है। आई मीन पूरी फिल्म में किसी को भी इसके बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये देव करता क्या है? कोई कहता है बिजनेस मैग्नेट है, कोई कहता है कंप्यूटर विजार्ड है, कोई कहता है किसी पॉलिटिशियन का रिश्तेदार है, पर सानू की। बट बाबा बंगाली के चूरन की कृपा से हमें देव का असली राज पता चल चुका है। मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा दोस्त जो हर बात में मेरा इक्वल है, क्यों पार्टनर? साला हमको यहाँ एक लड़की नहीं मिलती और ये फटीचर हमेशा इतनी अमीर अमीर लड़कियाँ कैसे पटा लेता है? क्यों नहीं देव, लंदन से इतनी दूर तुम्हारा साथ देने तो आई हूँ, आखिरी मंजिल तक साथ देगी तुम्हारा शीतल वर्मा। अब देव के हाथों बर्बाद होकर पता चलता है कि अंजलि है प्रेग्नेंट। तुम माँ बनने वाली हो अंजलि। एंड नाउ सी हाउ ऑकवर्ड दिस सीन इज, बीवी बीमार है और माँ को टेम्पल में जाना है। मुझे मंदिर ले चल बेटा, वहाँ जाके भगवान के सामने अपनी गलतियों की क्षमा मांगना चाहती हूँ। और ये भाई साहब माँ के सामने ही? मैं जाऊँ जान? हाँ, जान जान। अरे भाई, हीरोइन प्रेग्नेंट है, बीमार है, बिस्तर पे पड़ी है और इनको पूजा करने की सूझ रही है, और हॉस्पिटल में नर्स कहाँ है, स्टाफ कहाँ है? ये हॉस्पिटल है या होटल है? यहाँ तो फ्रिज और फोन भी है। अब अंजलि मौके का फायदा उठाकर तुरंत ही अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फोन लगाती है। एंड अंजलि के आने की खबर सुनते ही बॉयफ्रेंड अपने सारे कपड़े उतारना शुरू कर देता है। बट फिल्म के आखिरी सीन में अंजलि खुद आकर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बम फोड़ देती है। तुम गलत समझ रहे हो, मैं लौट कर नहीं आई हूँ और अब कभी लौट कर नहीं आ सकती। एंड अंजलि इज लाइक, अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ। एंड यहाँ होता है इसके अरमानों का दी एंड। बाय द वे, मुझे कोई कमेंट सेक्शन में बताएगा कि शुरू में इसकी बहन ये दिखाई है पर पूरी फिल्म में इसकी बहन कोई और ही दिखाई है। साला ये चलती फिल्म में इसकी बहन कैसे चेंज हो गई? सो ये ओरिजिनल कहानी एक बहुत ही पुरानी बुक वुदरिंग हाइट से ली हुई है, जिसे एमिली ब्रॉन्टी ने 1848 में लिखा था। एंड ये बुक उसके लास्ट डेज में पब्लिश हुई थी। इस कहानी पे और भी बहुत सैकड़ों फिल्म्स बन चुकी है। कमाल की बात यह है कि एमिली को कभी यह पता नहीं चल सका कि उसके मरने के बाद यह बुक इतनी फेमस हो जाएगी। अब चलते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन की ओर। मैं इंस्टाग्राम पे इतना टाइम स्पेंड करता हूँ कि इंस्टाग्राम खुद मुझसे पूछता है, आखिर ऐसा क्या है मुझ में? क्या है मुझ में? आजकल के मोस्ट कपल्स ऑन देयर सोशल मीडिया अकाउंट, हैप्पी एनिवर्सरी वाइफी, हैप्पी एनिवर्सरी हैप्पी। जब भी मैं अपने बॉस से अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करता हूँ, ही सच अ फूल, नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। जब भी मेरी माँ मेरी जिंदगी में बहुत ज्यादा झांकने की कोशिश करती है, क्या हुआ बेटा? Just leave me alone, mama. Mind your own business, okay? When my boss shouts on me for my colleague's mistake, कि दगा किसी ने दिया और सजा किसी को मिली। So this is all nonsense for this time. Please हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारे वीडियोस के लिए हमें encourage करें।